अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिस्टर्स व्लॉग। और आज का व्लॉग है मेरा फिफ्थ डे ऑफ रमज़ान। तो चलिए चलते हैं व्लॉग की तरफ। ये मॉर्निंग 6 o'clock का टाइम है, तो हम लोग मॉर्निंग में टहलने आ जाते हैं ऊपर छत पर थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा सा वर्कआउट हो जाए। पहले हम ये रात में करते थे मगरिब की नमाज़ के बाद, बट अब रमज़ान चल रहा है तो वो टाइम हमारा बहुत बिजी होता है, तो मॉर्निंग में कैसे भी हम थोड़ी देर के लिए ऊपर आ जाते हैं तो थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। अब ये मॉर्निंग का टाइम है 11:15 का, तो आज अब मेरा दिन शुरू होने वाला है। और मैंने आज बच्चों के लिए एक एक्टिविटी क्रिएट की है। मैंने इस तरीके से नेट से कुछ प्रिंट्स निकाले हैं, ड्राइंग्स निकाले हैं बच्चों के लिए एक्टिविटी के। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, एज बच्चे भी बोर हो गए हैं वही रेगुलर बुक्स यूज़ करके। तो आप कोई भी ड्राइंग्स जो लोगों को पसंद है उसके ऐसे प्रिंट आउट निकाल कर उन्हें दे सकते हैं, ताकि वो कलर करें। अगर आपके पास भी कोई टिप्स है बच्चों को कैसे बिजी रखा जाए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, तो ये सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से मैंने ये एक्टिविटी बनाई है, आप बच्चे इंजॉय करेंगे इसमें कलर करना। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए तो फ्री हूँ फॉर 45 to 1 आर के लिए, 45 मिनट से लेके 1 घंटे के लिए, तो मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, क्योंकि अब ये इसमें ही बिज़ी रहेंगे कलरिंग में। अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर का सालन और कटलेस, तो उसकी मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। टमाटर काट कर रख लिए हैं और ये कुकर में मेरे आलू भी चढ़ गए हैं, और इस तरफ खीमा भी बिल्कुल रेडी है। अब मैं जोहर की नमाज़ के बाद आकर कंटिन्यू करूँगी। अब ये मेरे आलू बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसे मैश करूँगी और ये हम बनाना शुरू करते हैं कटलेस। इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं। रमज़ान में ये बहुत बड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि हमें मिक्स एंड मैच कर बहुत न्यू रेसिपीज़ बनानी होती है, और अल्लाह ताला हमारे सबके रिस्क में बरकत दे। तो इस तरीके से मैंने हमारी कटलेस बना ली है, इसमें से मैं हाफ़ अभी तलूंगी और हम हाफ हमारी सहरी में बनाएंगे, तो वी आर डन फॉर सहरन इफ्तार। अभी ये मेरा टमाटर का सालन भी बिल्कुल रेडी है और खाना तो बिल्कुल तैयार है, बस अब थोड़ी सी इफ्तार की तैयारी करनी है एंड वी आर डन। तो अब मैं पहले चीज़ बनाऊंगी इफ्तार के लिए, वो है मेरा आबशोला। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने कैरी सेक ली थी, इसके लिए हमें चाहिए कैरी। और मैंने यहाँ पे मिश्री के पाउडर का इस्तेमाल किया है, आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी काली मिर्ची। ये ड्राइड पुदीना है, आप फ्रेश पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं। मिश्री यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि एक हेल्दियर वर्जन है ये, क्योंकि हम रमज़ान में बहुत शुगर इनटेक हो जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये मैंने कैरी को बिल्कुल छील लिया है और इसे मैंने जूसर में डाल लिया है। अब मैं थोड़े से मिंट लीव्स डाल दूँगी और मैं डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्ची, तो थोड़ा सा ये स्पाइस किक देगी। अगर आपको नहीं पसंद काली मिर्ची तो आप ये स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिश्री का पाउडर। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप शुगर यूज़ करिए, अगर आप हेल्दियर वर्जन देखना चाह रहे हैं तो आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे डालेंगे, पहले इसे एक पेस्ट फॉर्म में मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। मैंने अराउंड 3 teaspoon इसमें मिश्री का पाउडर डाला है। शुगर या मिश्री आप जो भी यूज़ कर रहे हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक कैरी में अराउंड आप 8 to 9 पीपल के लिए ये जूस बना सकते हैं। अब मैंने इसे वाटर में ला लिया है और मैं इसे दोबारा चला दूंगी एक बार। देखिए अब मेरा आबशोला रेडी है। ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, स्टमक के लिए। गर्मियों में तो हमें ये रोज़ पीना चाहिए। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। तो हमारा जूस रेडी है, एक काम फिनिश हो गया। अब चलते हैं आगे। ये आ गई थी थोड़ी सी ग्रॉसरी, तो वही काम न्यू जो अब सबको लगा है वो है कि इसे स्टराइल करना है, तो हम ये लिक्विड यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए।
ये आपको आसानी से कहीं कोई भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा। मैं इसे एक स्प्रे बॉटल में भर लेती हूँ। अब मैं ये सारी जो भी ग्रॉसरी आई है उसे स्टराइल करूँगी। हमने इस स्टेरलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर चेक कीजिएगा वीडियो। अब हम इसे स्टराइल कर लेंगे अच्छे से। अब ये हम ऊपर और नीचे अच्छे से स्टराइल कर लेंगे इसे। अगर आप इस तरीके से स्टरलाइजेशन प्रोसेस करें तो आपकी चीज़ें ख़राब होने का डर बहुत कम होता है। अगर आप डायरेक्टली इसे बकेट्स में डालकर धोते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पैकेट्स में पानी अंदर चले जाता है। तो अब चलते हैं फिर से किचन की तरफ। आज हम एक न्यू डिश बनाने वाले हैं जो कि है तलबीना। ये तबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रेसिपी है। ये बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, जो कि दूध और जौ से बनती है। जौ को आपको अराउंड 3 to 5 hours के लिए भिगाने रखना है, फिर हम दूध में इसे डालकर उबालेंगे। जैसे कि ये जौ बहुत अच्छी तरीके से गलनी चाहिए आपको जब तक इसे पकाना है, और इस तरीके से आपका दूध भी रेड्यूस हो जाएगा। और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल शुगर नहीं यूज़ होगी, उसकी जगह हम खजूर और हनी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 8 to 10 खजूर तोड़कर छोटे छोटे पीसेस। ये आप सहर इफ्तार दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं। सुपर हेल्दी है ये और फिलिंग होती है बहुत। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी शहद और ये ड्राई फ्रूट्स, और गुड टू गो हमारी खीर रेडी है तलबीना की, जो कि बहुत हेल्दी होती है और पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। गर्मियों में तो हमें ये पीना चाहिए, ठंडक देती है हमारे पेट को और इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो अब मैं इसमें शहद ऐड करूंगी। तो ये हमारी तलबीना की खीर रेडी है। या आप इसे सहर और इफ्तार दोनों में खा सकते हैं। अब हम बनाएंगे हमारी लास्ट चीज़ जो कि है कटलेट्स। मैं इस तरीके से इसे इफ्तार से पहले ही फ्राई कर देती हूँ ताकि इफ्तार के बाद मुझे कोई काम करना ना पड़े। अब हम पढ़ेंगे नमाज, ये तरावी की नमाज है। मैं ईशा और तरावी एक साथ ही पढ़ लेती हूँ ताकि फिर, और बीच में ब्रेक लेकर पढ़ने से सुस्ती आती है इसलिए जल्दी हो जाती है कंप्लीट। अब मैं एंजॉय करूँगी मेरी तलबीना तरावी के बाद। मुझे थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने ये फिर से पी है। बहुत टेस्टी होती है। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बहुत फिलिंग होती है, हेल्दी होती है ये। तो इस रमज़ान आप सबसे गुजारिश है कि सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, और ये स्पेशली कोरोना वायरस के लिए ज़रूर दुआ करिए ताकि ये दुनिया से जल्द ख़त्म हो जाए। दुआओं की गुजारिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।